प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन की घोषणा के बाद करनाल पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। स्वयं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने शहर में जाकर स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ पुलिस दल भी मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पालना ना करने वाले युवाओं पर भी पुलिस ने अपना शिकंजा कसा। पुलिस ने युवाओं से उठक पटक करवा कर माफी मंगवाई। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों के चालान भी काटे जो बिना कारण शहर में घूम रहे थे। इस दौरान पुलिस ने सख्ती से चेताते हुए कहा कि लॉकडाउन का पालन ना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह भी कहना है कि लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू में जानबूझकर घरों से निकलने वाले लोगों पर पुलिस कार्यवाही करेगी। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रही है। तस्वीरें करनाल के कमेटी चौकी, जो लोग अब बाज नहीं आ रहे उनसे अब इस तरह से करनाल पुलिस बरतेगी और ये बर्ताव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब केंद्रीय सरकार राज्य सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन किया गया उसके बावजूद भी जो है लोग नहीं मानते और बिना मतलब घरों से बाहर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन का ये बर्ताव बिल्कुल ठीक है। हालाँकि लोगों की सेफ्टी के लिए इस तरह के जो है काम किए जा रहे हैं, लॉकडाउन किया गया है उसके बावजूद भी जो लोग नहीं मानते उनके लिए ये सज़ा ही बेहतर है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.